नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से JLKM की प्रत्याशी दबयंती मुंडा ने आज विधिवत रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे, जो ढोल नगाड़ों और पारंपरिक झारखंडी लोक गीतों के साथ जुलूस के रूप में बुंडू निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। दबयंती मुंडा ने नामांकन दाखिल करने से पहले स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर उत्साहित भीड़ के साथ नामांकन पत्र जमा किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करना और विकास की नई धारा बहाना है। दबयंती मुंडा ने कहा, हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिले। हम आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता की असली आवाज है और वो क्षेत्र के हर व्यक्ति के अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और आदिवासी समुदाय के विकास पर विशेष जोर दिया गया। दबयंती मुंडा के साथ कई प्रमुख नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अब तमाड़ विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया, जहां दबयंती मुंडा अपने दमदार चुनावी अभियान के साथ मैदान में है। संघर्ष किया, 2.5 साल से आंदोलन किए कि झारखंड में झारखंडी लोगों को अधिकार मिले, उनको एक पहचान मिले, उसके बाद सब जगह झारखंडी लोग का अधिकार कायम हो। ये जबकि नहीं हो पाया है, हम लोग का 24 साल का झारखंड में नहीं हो पाया, तो दुर्भाग्य है। और इसी आंदोलन को करते हुए जब सरकार के तरफ से पहल नहीं हुआ, नहीं हो पाया, तब हम लोगों ने इसको राजनीतिक में परिवर्तन किए, क्योंकि राजनीतिक में ही जा करके हम लोग नीति नियम के संगत उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में कानून बना हुआ है और उस कानून को हमारा धरातल में लागू करने का काम है। और ये धरातल में तभी लागू होगा जब हमारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जी लोग जब उसको धरातल में लागू करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारा झारखंड राज्य जो है कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 5वें अनुसूचित क्षेत्र में हमारा 13 जिला है और इसमें पेशा कानून अभी तक सख्ती से लागू नहीं है, जिसके चलते हमारा खनिज का दूसरा कोई लेके जाते हैं यहाँ पे, अधिकार दूसरा कोई कब्जा कर ले रहे हैं। अगर वास्तव में अगर हम लोग का आदिवासी बहुल राज्य, मूलवासी बहुल राज्य रहता मान तो हो सकता है हम लोग का अधिकार कायम रहता, लेकिन ये अभी तक उसमें अधिकार स्थापित नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने इस आंदोलन को अब राजनीतिक का रूप ले लिए हैं। और जा करके विधानसभा में हम लोग जाएंगे और विधानसभा में जा करके हम लोग नीति नियम को बनाएंगे और झारखंड हित में यहाँ के लोगों को उसका लाभ। दिक्कत आपके सामने है, एक तरफ राजा फिटर है, एक तरफ विधानसभा की विकास मुद्दा है, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को, क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए सर, झारखंड में जो मुद्दा को, झारखंड में जो लोग परेशान है और ये जन मुद्दा से लोग परेशान है, तो इसको लेकर के हमारे साथ जनता है। झारखंड में झारखंडियों को अधिकार नहीं मिल पाया है, इसको लेकर के जन समर्थन है और ये मतदान से होता है। किसके तरफ किसका मत और किसका विचार होता है ये देखा जाता है, मतदान से ही ये निश्चय होगा ये किसके तरफ आएंगे। और हमारे साथ बहुत कोई है, क्योंकि झारखंड में अभी तक उन लोगों को लाभ से वंचित रहा गया, सबको मौका दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उनको उस लाभ तक पहुंचाया नहीं गया है, इसलिए सभी कोई हमारे साथ है। अभी जो देखिए दिग्गज नेता है जो बोलते हैं कि अभी हम लोग का तमाड़ में विश्वविद्यालय खोलेंगे, तो क्या क्या बहुत सारा लोगों का कहना है, लेकिन अगर हम आते हैं तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये नहीं कहेंगे 5 साल के बाद हमने ये किया, हमने ऐसा किया, ये बात को कहेंगे कि हम यहाँ पे SC आवासीय बालिका विद्यालय खोले, तमाड़ में सुंदरीकरण किया, बुंडू में हम लोगों ने बहुत कुछ जो किया, हम लोग को अभी जिला नहीं मिला है, इस सब को लेकर के हमने 5 साल के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमको ये करना है। आज आपके केंद्रीय अध्यक्ष नहीं है, आपके साथ कितना कमी महसूस? नहीं, कमी महसूस नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग का इतना कम समय में विधानसभा चुनाव सामने आ गया कि सब व्यस्त हो गए हैं। और हमारे छात्र में वरीय उपाध्यक्ष हम लोग का छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी हैं और हमारे जनता जनार्दन हैं, तो ऐसा नहीं है, दादा भी बिजी हैं और एक कार्यक्रम हम लोग को देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा कमी नहीं है, उनका ऊर्जा हमारे साथ में है। बीमारियों से होने वाले इलाज के खर्च से न हो परेशान, जब आपकी मूरी में है सिंहपुर नर्सिंग होम, जहां सबसे कम रेट के साथ साथ मरीजों को मिलते हैं आयुष्मान कार्ड का लाभ। आपको सिंहपुर नर्सिंग होम मूरी में मिलेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन के साथ सभी प्रकार के डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस टीम्स, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ऑर्थो सर्जरी, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरो सर्जरी फैसिलिटीज के साथ ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड, ICU, लेबर रूम, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जनरल वार्ड, लैबोरेटरी, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, पार्किंग लॉट और भी कई प्रकार की सुविधा। क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली ही सब कुछ है, तो आज ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संपर्क करें 9431277155। एड्रेस सिंहपुर, छोटा मूरी, मूरी, रांची, झारखंड 8351011।